आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। F&O में हम ट्रेड करते हैं, हेजिंग के साथ ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम हेज पोजीशन के साथ ट्रेड करते हैं तो एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ट्रेड डालने से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़रूर निकाल लें कि इस हेज में आज के दिन क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आ रहा है। अगर वो हमारे फेवरेबल है तो ही हमें ट्रेड जनरेट करना चाहिए, अगर वो अनफेवरेबल है तो ट्रेड को ड्रॉप कर देना चाहिए। अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि अलग अलग दिनों में एक ही हेज में अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक बार मैंने लाइफ में किसी हेज पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो चेक कर लिया और वो ज़िंदगी भर वो ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो देता रहेगा। तो यहाँ पर मान लो निफ्टी 10,000 के लेवल पे चल रहा है और मैंने देखा कि भाई 10,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 100 का, पुट ऑप्शन 100 का चल रहा है, उन दोनों को राइट कर देता हूँ, उन दोनों को 100-100 में बेच दिया मैंने। अब उसके प्रोटेक्शन के लिए एक हेज क्रिएट करा, उसके बाद के स्ट्राइक प्राइस यानी 10-100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल मान लो 50 का चल रहा है, उसे 50 पे खरीद लिया। वहीं 9,900 स्ट्राइक प्राइस का पुट भी 50 का चल रहा है, उसे भी 50 पे खरीद लिया। तो यहाँ पर अब मैं देखूँगा कि क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आता है अगर इस तरीके का मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि भाई जो मेरा मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो 100 पॉइंट के आसपास आ सकता है और जो मेरी मैक्सिमम रिस्क है वो नहीं के बराबर है। तो यहाँ पर ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरे फेवरेबल हुआ, ये पोजीशन मैंने मंडे को बनाई थी, ये नंबर मुझे मंडे को देखने को मिले थे। अब यहीं पे अगर मैं गुरुवार को जाता हूँ और गुरुवार को जिस दिन एक्सपायरी होती है वहीं मैं नंबर को चेक करके इस हेज को बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मान लो निफ्टी वहीं 10,000 के लेवल पे चल रहा है लेकिन चूंकि आज एक्सपायरी है, प्रीमियम ATM के काफ़ी कम हो चुके हैं, तो वहीं मैंने देखा 10,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन 20-20 रुपए के चल रहे हैं, उन दोनों को 20-20 रुपए पे राइट कर दिया। अब उनके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस 10-100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल मान लो 10 रुपये का चल रहा है, उसे 10 रुपये पे खरीद लिया। वहीं 9,900 स्ट्राइक प्राइस का पुट भी 10 रुपये का चल रहा है, उसे भी 10 रुपये पे मैंने खरीद लिया। तो अब यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आ रहा है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम रिस्क वो 80 पॉइंट के आसपास है और मैक्सिमम रिवॉर्ड 20 पॉइंट के आसपास है, यानी कहीं से कहीं तक ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर हेज एक ही था लेकिन अलग अलग दिनों में अलग अलग नंबर के कारण रिस्क रिवॉर्ड रेशो में काफ़ी अंतर आ गया। तो यहाँ पर जब भी हम किसी भी हेज पे वर्क करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर दिन सिमिलर तरीके से सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आए, अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉम्बिनेशन की कोई कमी नहीं, काफ़ी अलग अलग काफ़ी अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन अवेलेबल रहते हैं हेज करने के लिए। तो जब जिस कॉम्बिनेशन पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवरेबल दिखे उस कॉम्बिनेशन पे हमें ट्रेड करना चाहिए, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।